अरे दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहे हैं कि ये मुंबई में लोग जो चाल में रहते हैं, जिसे लोग कहते हैं झोपड़पट्टी, तो आप देखिए इन लोग का जीवन कैसे होता है। मैं आपको एक गोरेगांव की एक झोपड़पट्टी दिखाना चाहते हैं। ये जो देख रहे हैं लोग डब्बा लेके जा रहे हैं, ये बाथरूम जा रहे हैं, क्योंकि किसी के घर में बाथरूम नहीं है। आप अंत तक देखना, आपको सब हकीकत पता लगेगा कि कैसे लोग रहते हैं मुंबई आके और कैसे गुजर बसर करते हैं। ये एक गली है, हम तो एक गली दिखा रहे हैं आपको। इस गली में लास्ट में टॉयलेट है, वहाँ लोग जा रहे हैं। उसी को डबल ट्रिपल माला बनाए हैं, परिवार बढ़ रहा है, ऊपर बनाते जा रहे हैं। इसी में पढ़ाई लिखाई चलती, इसी में शादी ब्याह हो रहा है, सब इसी में हो रहा है। छोटी छोटी जगह में शौक भी पूरी करते हैं, एसी लगाया है, कोई 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 इसे दुकानें हैं, इसमें गाड़ियां खड़ी हैं, सीढ़ियां कितनी लगी हुई हैं। इतने के अंदर ही सारी शौक पूरी करते हैं। ये पाइप की, पानी की पाइप है, इधर से पाइप पानी आता है सुबह, यहाँ तो शायद हमेशा पानी आता है। सबकी अलग अलग पाइप लगी हुई है, एक एक पाइप में दो आदमी तीन आदमी शेयर करते हैं। इसी में दोस्तों बिजनेस बहुत तगड़ा होता है। हम बता रहे हैं आपको, हर घर में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई असेंबल कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी चीज़ का फिनिशिंग कर रहे हैं, कपड़े की सिलाई होती है, गारमेंट की दुकान है। इन झोपड़पट्टियों में पैसा बहुत है दोस्त, भरा हुआ पैसा इसमें, लेकिन लोगों का यही हाल है, ऐसे जीवन बिताते हैं अपने। बच्चे पढ़ने वाले, काम करने वाले, तो छोटी छोटी जगह 10x10 की, 10x8 की इसी तरह का जो रूम है, लोग ऊपर नीचे बना बना कर रह रहे हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।